Hello and welcome to Nahar Global School online video classes. This is class 7th maths class. Now today in this class we will continue with exercise 2.5 of chapter number 2. Okay, so this is chapter number 2, exercise 2.5. Now in previous class we have completed question number 1st and question number 2nd of this exercise. So today in this class we will start with question number 3rd. Okay. So question number 3rd. Now question is saying express 5 cm in meter and kilometer. Means आपको 5 cm को meter or kilometer में express करना है. Okay? So कैसे करेंगे? First you know that 1 meter equals to 100 cm. Okay? So just write, since we know that 1 meter equals to 100 centimeter. But students, हमें meter से centimeter में नहीं करना. हमें क्या करना है? Centimeter से meter में करना है. Means हमें इसका उल्टा, reverse process करना है. तो अब क्या करेंगे? अगर 1 meter में 100 centimeter होते हैं, तो it means 1 centimeter में कितने meter होंगे? 1 upon 100 meter. Okay? जस्ट इसका रिवर्स मीन्स मीटर की जगह सेंटीमीटर, 100 की जगह 1 upon 100, सेंटीमीटर की जगह मीटर. ओके, सिंपल सी चीज़ है. अगर मीटर में मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 upon 100 मीटर. अब कितना सेंटीमीटर रखा है? 5 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे? 5 upon 100 मीटर. ओके, ना 5 upon 100, दो जीरोज हैं. इट मीन्स पॉइंट के बाद मुझे कितनी डिजिट्स चाहिए? 2 डिजिट्स. तो इट मीन्स 0.05 मीटर. ये 5 सेंटीमीटर मीटर में हुआ. ओके, हमें क्या करना था? 5 सेंटीमीटर को मीटर में करना था. तो मींस ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट. अब इसके बाद क्या करना है? इसी को किलोमीटर में भी करना है. ठीक है, तो अब डायरेक्ट सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोई यूनिट नहीं है. ओके, डायरेक्ट आप सेंटीमीटर से किलोमीटर में नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमने मीटर में कर लिया है, और मीटर और किलोमीटर के बीच हमारे पास एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है? 1 kilometer इक्वल्स टू 1000 मीटर. ओके, तो इट मीन्स आप यहाँ लिखेंगे, ये तो एक पार्ट हो गया. तो ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 centimeter इज इक्वल्स टू, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ अब किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा वापस से, सिंस 1 kilometer इक्वल्स टू 1000 meter. 1 kilometer में 1000 meter होते हैं. तो अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में करना है, मीन्स इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, तो जस्ट लाइक दिस हम क्या करेंगे? यहाँ किलोमीटर की जगह क्या लिखूंगी? मीटर. यहाँ 1000 की जगह 1 upon 1000. ओके, और मीटर की जगह किलोमीटर. ओके, किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, बट मीटर से किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड. सो यहाँ 1 meter है, मुझे कितना मीटर को करना है किलोमीटर में? 0.05 meter को. तो क्या करेंगे? 1 meter की जगह अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ? 0.05 meter इज इक्वल्स टू, अब 1 upon 1000. तो यहाँ तो 1 था इसलिए 1 upon 1000, यहाँ 0.05 है, तो 0.05 डिवाइड बाय 1000, और ये अब काय में आएगा आंसर? किलोमीटर में. ओके, अब क्या करेंगे? ये जो 0.05 है, और नीचे 3 जीरोस और हैं, इसका मतलब मुझे पॉइंट के बाद कितनी और डिजिट्स चाहिए रहेंगे? अब 5, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हैं, 3 और. तो इट मीन्स 0.00005 kilometer. दिस इज योर 0.05 meter, जो किसके बराबर था? 0.05 meter 5 centimeter के. हमें 5 centimeter को ही किलोमीटर में करना था, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 5 centimeter to kilometer is this.
ओके आ गया। सबसे पहले क्या किया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद किलोमीटर में भी करना था। सेंटीमीटर टू किलोमीटर हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हमने इसी रिलेशन का यूज़ करके इसको काय में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में। बट आंसर हमें सेंटीमीटर टू किलोमीटर लिखना था, इसलिए मैंने 0.05 मीटर की जगह 5 सेंटीमीटर लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये 0.05 मीटर सेंटीमीटर्स में 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। आपको दो चीज़ें कन्वर्ट करनी थी, पहले मीटर में, तो मीटर में कन्वर्जन ये रहा, फिर किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कन्वर्जन ये रहा। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ओके, सेकेंड पार्ट भी सेम है, जस्ट ट्राई डूइंग दिस एट होम एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम। मीन्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको किलोग्राम में इसको एक्सप्रेस करना है। अब अगेन ग्राम में क्वेश्चन दे रखा है, ग्राम में आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको ग्राम और किलोग्राम के बीच रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। क्या रिलेशनशिप होती है? 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट इज 200 ग्राम। नाउ राइट हियर सॉल्यूशन। सिंस वी नो, सिंस का साइन लगा के, सिंस वी नो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बट हमें क्या करना है, हमें ग्राम से किलोग्राम में करना है, मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट करना है। तो इसके ऑपोजिट के लिए क्या लिखूंगी मैं यहाँ, किलोग्राम की जगह 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 की जगह 1/1000 और ग्राम की जगह किलोग्राम, जस्ट इसका ऑपोजिट, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये 1 ग्राम है, यहाँ मुझे कितना ग्राम चाहिए, 200 ग्राम, तो यहाँ लिखिए 200 ग्राम इज इक्वल्स टू, तो 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जब 200 1000 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 2/10 मींस एक जीरो है डिनोमिनेटर में, तो मुझे पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए, तो ये कितना बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। ये कितना बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। ओके, यानी आपने 200 ग्राम को किलोग्राम में कर दिया और कितना आंसर आया, 0.2 किलोग्राम। आपको इन दोनों के बीच रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, बस। रिलेशनशिप अगर आपको पता होगी तो किस से किस में कन्वर्ट करना है ये देखकर और समझ के उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर सही आएगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। सेकेंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। सेकेंड पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकेंड है 3470 ग्राम। अब इसको भी आपको ऐसे ही किलोग्राम में करना होगा, तो यहाँ आप 200 की जगह क्या लिखेंगे, 3470, बट जब 3470 1000 से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, 3.470, क्योंकि नीचे तीन जीरोस हैं, मुझे पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स चाहिए होंगे, तो यानी यहाँ क्वेश्चन में चार डिजिट्स हैं, तो 3.470 और किलोग्राम। ओके, ये आपका होगा सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। जस्ट डू योर होमवर्क रेगुलरली एंड सबमिट मी डेली ऑन माई नंबर अलॉन्ग विथ योर नेम एंड क्लास। टिल देन कीप स्टडिंग बेटा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।